ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। यस, और एक प्रार्थना है श्री नरोत्तम दास ठाकुर का, जो वैष्णव के विरह में गाया गया है। वैष्णव के विरह मतलब हमें छोड़कर जब हमारे गुरुजन वैष्णव आचार्य चले जाते हैं, वो धाम में कहो या गांव को छोड़ के चले जाते हैं या कहीं दूर रहते हैं, हाँ, तो उस समय हम अपने वैष्णव के चरणों में कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पे दिया गया है विरह भाव में प्रार्थना, जो है नरोत्तम दास ठाकुर इस तरह से प्रार्थना करते हैं विरह में। ऑफ कोर्स प्रभुपाद हमारे चले गए हैं, हमारे आचार्य रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये सब अंतर्धान हो गए हैं, अपने स्वधाम चले गए हैं, फिर भी उनकी कृपा जरूर हम पर रहती है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। आध्यात्मिक जगत का यही एक अलौकिक चीज है जो उनके जाने पर भी उनके अनुपस्थिति में भी हम पर हमारे पीछे या हमारे सर पर उनकी कृपा हर हमेशा बनी रहती है, अगर हम उनके प्रति सिंसियरली कार्य करते रहे तो। तो जैसा सूरज की कृपा सभी पर है, वो कभी ये नहीं देखता कि ये गरीब व्यक्ति है, ये लूला लंगड़ा है, अंधा है, ये बहुत अमीर है, श्रीमंत घर का है, ऐश्वर्यशाली है, ज्ञानी है, इस पर कृपा बरसाए और गरीबों पर ना बरसाए, ऐसे सूरज कभी नहीं करता। सूरज समदृष्टि सभी पर कृपा बरसाते हैं, लेकिन हमारे सर पर अगर बादल है तो सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती। इसी तरह से अगर हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मद मत्सर इस रूप में बादल अगर हम रखे, तो भगवान की कहो या आचार्य कहो गुरुजनों की कहो कृपा बरसती नहीं है। तो कृपा हर हमेशा सभी के लिए है, सिर्फ हमारे हृदय से इन बादलों को हटाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से कृपा हमें प्राप्त होती है उनकी, भले वो कहीं पे भी रहे, कहीं अन्य गांवों में रहे या देश में रहे, कहीं और देश में रहे गुरुजन आचार्य, या धाम में रहे अपने स्वधाम नित्य लीला में प्रविष्ट किए हो, फिर भी इन सभी वैष्णव की कृपा हम पर हर हमेशा बरसते रहती है, लेकिन हमें सिर्फ रोना है उनकी कृपा के लिए, रोने की देर है। इसीलिए वो कहते हैं जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। जो अप्राकृत प्रकृत जगत का, प्राकृत जगत का ये भौतिक जगत का प्रेम नहीं, अप्राकृत जगत का प्रेम, आध्यात्मिक जगत का प्रेम जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ये महामंत्र गोलोक धाम का प्रेम है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये साधारण कई स्वर्ग लोक का या फिर ब्रह्म लोक का या शिव लोक का या वैकुंठ लोक का प्रेम है ऐसा नहीं, ये गोलोक धाम का प्रेम है। इस महामंत्र को समझिए, ये साधारण नहीं है, गोलोक धाम का है जो सबसे ऊंचा लोक है, जहां पे भगवान स्वयं विराजमान है वहां पे ब्रज भाव में या राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, अपने सखाओं के साथ, अपने माता के साथ। ये वो प्रेम भगवान यहाँ पे लेके आए हैं और श्रीवास आचार्य के घर में इसको निछावर कर दिए हैं। हर रोज शाम को संकीर्तन कर, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे लिखते कहाँ गए वो श्रीवास आचार्य जो सबों को अपने घर में बुलाकर प्रेम धन का वितरण करते थे। हाँ, जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। अभी नरोत्तम दास ठाकुर तो बहुत बाद में जन्म लिए, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आचार्य के ठाकुर में संकीर्तन की स्थापना की वहां पे, फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर को वो अनुभव हो रहा है। काफी लंबा अंतर है नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीवास आचार्य के मतलब प्रेजेंस में। चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान होने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर आए, यहाँ पे उनको अनुभव हो रहा है कि श्रीवास आचार्य के आंगन में इतना बड़ा मतलब इतने ऊंचे प्रेम का वितरण हुआ फ्री ऑफ चार्ज फुकट में, और कई सारे लोग लिए, उनमें मैं भी प्राप्त कर लिया ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए अभी उनके दर्शन नहीं हो पा रहे, इसलिए वो रो रहे हैं, हे नो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ गए जो प्रेम देने वाले सबको वितरण करने वाले आचार्य ठाकुर, कहाँ गए, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ रघुनाथ। स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के अंतिम समय वहां हमेशा ये दो जन ही रहते थे। जब गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु रहते थे जगन्नाथपुरी के, तो अपने आखिरी जो मतलब क्या कहते हैं आखिरी वर्ष जो है, कुछ वर्ष अंतिम समय के उनके कुछ वर्ष जो है उस समय है, वो सिर्फ रूप रघुना स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के साथ रहकर सिर्फ नित्य भगवान के नित्य लीलाओं का श्रवण करते थे, गुणगान करते थे, और कुछ ऐसे ऐसे लीलाओं का जो वेरी सीक्रेट है उनकी चर्चा वो करते थे। और स्वरूप दामोदर रामानंद राय इनके कृपा के कारण नरोत्तम दास ठाकुर इन लीलाओं का दर्शन किया करते थे। हालांकि इनमें भी काफी अंतर है, इन दोनों की उपस्थिति में भी काफी अंतर, काफी वर्षों का समय है गया है, बीत गया है, फिर भी वो कह रहे हैं कहां स्वरूप रूप। स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी कहां है, कहां मोर स्वरूप रूप, कहां सनातन, कहां दास रघुनाथ पतित पावन। अनेक पतित जीवों का उद्धार करने वाले पतित पावन रघुनाथ दास गोस्वामी कहां गए, कहां मोर भट्ट जुग, भट्ट जुग मतलब दो, तो दो भट्ट गोस्वामी, कौन से, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। कहां मोर भट्ट जुग, कहां कविराज, यहां तक कि भी कृष्णदास कविराज के चरणों में भी वो माथा टेक कर रो रहे हैं, कहां गए आप सब लोग, क्योंकि ये सब का अंतर्धान हुआ था, ये सब उस समय जब नरोत्तम दास ठाकुर थे उस समय ये सब लोग जो है अंतर्धान हुए थे, अपने धाम चले गए थे, राधा कृष्ण के नित्य लीला में प्रविष्ट कर चुके थे, अपने शरीर भौतिक शरीर को त्याग चुके थे, इसलिए माथा पत्थर पर
फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो, समझ गया, मार मार कर अपना सर फोड़ने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। कहाँ मोर भट्ट झुक, कहाँ कविराज, कृष्णदास कविराज के विषय में है। एका काले कोथा गेला गोरा नटराज, गौर जो है चैतन्य महाप्रभु के विषय में है। कहाँ गए, अभी अभी दर्शन दे रहे थे, अभी अभी यहाँ पे थे, कहाँ गए वो, कहाँ गए, ऐसे रो रहे। पाषाणे कुटीबो माथा अनले परिबो, पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, कुटीबो मतलब मारना पत्थर को अपना सर, पाषाणे कुटीबो माथा, माथा मतलब सर, उनके अनुपस्थिति में वो दर्शन दे मुझे, मुझे गाइड करे, मुझे राह दिखाए, इसलिए वो अपने माथा को फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और रो रहे हैं। गौरांगेर गुणेर निधि कोथा गेले पाबो, गुणेर निधि, गौरांग क्या गुण जो है उनके विषय में वो स्मरण कर रहे हैं। क्या है गौरांग का गुण, पतित, पतित से पतित जीवों का उद्धार करना, एक वैशिष्ट गुण है उनका कि वो मतलब नास्तिक है, आस्तिक है, या कैसे भी लोगों को भगवान का प्रेम देने के लिए तैयार है, अगर वो सिर्फ आके हाथ जोड़ते हैं तो, सिर्फ हाथ जोड़ते हैं और सर झुकाते हैं तो वो कैसे भी व्यक्ति को भगवान का प्रेम देने के लिए तैयार है। कृष्ण जब उपस्थित थे 5000 साल पूर्व, तब उन्होंने भगवत गीता का उपदेश देके चले गए, थ्योरेटिकल नॉलेज, बट बाद में उन्होंने सोचा कि प्रैक्टिकल कैसे इसे करना है ये तो मैं नहीं बताया, इसलिए राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर प्रैक्टिकली समझा रहे, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे कि कैसे भक्ति करना है, कैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सर्वधर्म परित्याग, माम एकम शरणम रजम की बात है, कैसे करना है, सारे धर्मों को त्याग कर अकेले भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति कैसे करना है, वो गौरांग स्वयं दिखाए डेमोन्स्ट्रेट कर, क्योंकि वो स्वयं भी ऐसे किए, ऐसी भक्ति वो स्वयं भी किए और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए। चैतन्य चरिता अमृत का मतलब ही यह है, चैतन्य मतलब चेतना, हमारी चेतना, चैतन्य मतलब चेतना, आत्म की चेतना, आत्म का प्रकाश, चैतन्य चरित, चरित्र मतलब आत्मा का चरित्र, आत्मा का स्वभाव, अमृत एटर्नल नित्य आत्मा का स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो चैतन्य चरितामृत का अर्थ है चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए कि जीव का नित्य स्वभाव है भगवान का, भगवान से प्रेम करना, उनका दास बनकर रहना। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए, ये उनका गुण है। अन्य कहीं भी अवतारों में भगवान ने भक्ति कैसे करना है यह कभी नहीं बताया, भगवत गीता में वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दी, बट डेमोन्स्ट्रेट करके स्वयं करके नहीं दिखाए कैसे होता है। कलयुग में तो बहुत ही कठिन है, सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग में ठीक है कर सकते हैं भक्ति, कहने पर भी कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में कहने पर नहीं कर सकते, बताना पड़ेगा, क्योंकि हम अल्प ज्ञानी है। हम भूलने वाले हैं, पतित है, ठगने वाले हैं, चीटर्स हैं, हमारा ये अनेक प्रकार के ये स्वभाव है जिसके कारण हम भक्ति को समझ नहीं पाते कहने के बाद भी, तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। तो भगवान स्वयं यहाँ पे आए, प्रैक्टिकल करके दिखाए कैसे भक्ति करना है, ये उनका महान गुण है, समझ गया ना, इसीलिए उनको कहा गया महावदन्याय, महावदन्या, वदन्या मतलब देना, लेकिन महा मतलब बिना सोचे, मतलब
क्या कहते हैं, बिना देखे पात्र अपात्र योग्य है या नहीं है, फिर भी उसे दे दो भगवान भक्ति, भगवान का प्रेम दे दो, तो ऐसा उनका गुणेर निधि कहा गया है, गौरांग गुणेर निधि। निधि मतलब समंदर, उनके गुण के लहरे जैसे है वैसा उनका। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुण के निधि स्वरूप गौरांग, निधि के स्वरूप मतलब, निधि मतलब स्वरूप, गौरांग प्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। निधि मतलब सागर, सागर के लहरे जैसे अनंत है वैसे गौरांग महाप्रभु के गुण भी अनंत है, और अनंत लोगों को ये गुण अनंत रूप से देते हैं, और ये सारे गुणों का सार है हरे कृष्ण महामंत्र, ये सभी गुणों का सार हरे कृष्ण महामंत्र। अगर हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान से अगर हम जप करेंगे, प्रेम से, प्रेम भाव से करेंगे, तो ये सारे गुण हम में आ जाते हैं और हम भी इसको वितरण करने लगते हैं, दूसरों को देते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो ऐसे महाप्रभु कहाँ गए, मैं सर फोड़ फोड़ कर रोऊंगा, अपना सर माथा फोड़ दूंगा, आग में कूद दूंगा, तो ऐसे रो रहे हैं। ये सब संगीर संगे जे कोयल विलास, से संग न पाए कांदे नरोत्तम दास। गौरांग प्रभु एवं उनके सभी संग, साथ लीला करने वाले जो है चैतन्य महाप्रभु के लीला में जो संग भाग लेने वाले, ऐसे सभी वैष्णव, हमारे आचार्य, हमारे ठाकुर, ये सब कहाँ गए। तो उनका संग मैं नहीं पा पा रहा हूं, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर मात्र से रो रहा है। तो ये विरह का भाव है, विरह के ऐसे भाव में हमें मतलब ऐसा भाव प्रकट होना चाहिए जब हमारे गुरु चले जाते हैं। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि जब गुरु अंतर्धान हो जाते हैं या नित्य लीला में कृष्ण में, राधा कृष्ण के नित्य लीला में प्रविष्ट कर देते हैं, अपने शरीर को, भौतिक शरीर को त्याग देते हैं, तब शिष्य को ऐसा रोना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। और प्रभुपाद भी अपने गुरु का जब अंतर्धान हुआ तो प्रभुपाद बहुत रोए, बहुत रोए, बट सारा जीवन पर रोते नहीं रहे, उस समय के लिए बहुत रोए और ध्यान पूर्वक उन्होंने स्मरण किया, मैं अपने गुरु का संग उनके अनुपस्थिति में भी कैसे कर सकता हूं। इस तरह से वो मेडिटेट करते रहे और फिर यस, उनके जो वाणी है, वाणी का संग मतलब वो जो आदेश दिए हैं, उनके लेक्चर्स है, उनके क्लासेस है, उनके भजन्स है, उनके ग्रंथ है, ये जो है उसका संग करने से डायरेक्टली उस व्यक्ति का, उस आचार्य का हमें संग होता है। तो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने से डायरेक्टली हमें प्रभुपाद का संग होता है, गुरुजनों का ग्रंथ पढ़ने से या उनके क्लासेस सुनने से डायरेक्टली हमें उनका संग मिलता है, समझ गया। तो प्रभुपाद फिर उनके वाणी का मतलब मेरे गुरु का मुझे आदेश जो है, बस उसका अगर मैं पालन करूं, उस आदेश के लिए मैं मेहनत करूं, भले फल प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, लेकिन मैं उसके लिए मेहनत करूं, आदेश है, बस मेरे गुरु मेरे साथ रहेंगे हर हमेशा के लिए। तो ऑफकोर्स जब प्रभुपाद जा रहे थे यहां से विदेश, जलदूत जहाज में बैठकर, तब उन्हें 3 बार हार्ट अटैक आ गया, तब उन्होंने ये दर्शन किया, समझ गए ना, क्या दर्शन किया कि इस जहाज को स्वयं कृष्ण कैप्टन बनकर चला रहे हैं और बाकी सारे आचार्य जो वला दे रहे हैं, जैसे नाव को हम वला देते हैं ना लकड़ी का, तो सारे, एक बहुत बड़ा जहाज उन्होंने सपने में देखा, दर्शन किया,
जहां पे कृष्ण स्वयं स्टेयरिंग पकड़े हुए है और बाकी सारे हमारे आचार्य जो है वलहा देकर उनको पार करा रहे हैं, इस समुन्द्र को अमेरिका में पहुंचा रहे हैं। ये उन्होंने दर्शन किया, तब उन्हें पता चला कि मेरे गुरु और मेरे आचार्य सब जितने भी परंपरा में हमारे आचार्य हैं, यहां तक कि भगवान स्वयं भी वहां पे उपस्थित थे। आप समझिए, जब हम ऐसे रोते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं हमारे गुरु के आचार्यों के, तो आचार्यों के गुरुजनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे भी कोरोना में हम ज्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन निश्चित रूप से हम संग तो करते थे, isn't it? तो इस तरह से यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, तो विरह में, गुरु के विरह में, आचार्यों के विरह में हमें इस तरह से रोना चाहिए। जब वैष्णव का तिरोभाव आता है, उनका निधन का दिन आता है, जिस दिन वो कृष्ण लीला में प्रविष्ट किए अपने शरीर को त्याग कर, कम से कम उस समय तो हमें ये गाना चाहिए, जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। आपने हमें प्रेम धन दिया है, वो भी गोलोक धाम का, साधारण प्रेम नहीं है ये, गोलोक धाम का सबसे ऊंचा प्रेम है ये। हाँ, ये आप आचार्य ठाकुर कहो या गुरु कहो, ये आपने हमें दिया है, तो उसका अनुभव उनके अनुपस्थिति में आपने दिया है। अब मैं अकेला पड़ गया हूं, कृपा कर हर हमेशा मेरे साथ रहो, आपके वाणी का मैं पालन करूं, ऐसी प्रार्थना इस समय तो कम से कम करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर इस तरह से गा रहे हैं, रोते रोते विरह के भाव में सभी के चरणों में वो प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि।